पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हां तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं।